फिर भी सुबह होने के बाद धूमधाम से उत्सव मनाया। जब भगवान आ जाते हैं तो आनंद आ जाता है। उसको अलग से आपको कुछ चेष्टा नहीं करना पड़ता है मनाने के, वो स्वाभाविक रूप से निकल के आ जाता है। वो स्वाभाविक होता है क्योंकि भगवान षडैश्वर्य संपूर्ण 64 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण आनंदमय विग्रह वो जिसके यहां पर अवतरित होते हैं उसको कुछ तैयारी करना नहीं पड़ता है। तैयारी पहले होता है, उसको बोलते हैं अधिवास। अधिवास के अंदर बाह्याभ्यंतर दोनों में गोविंद का आगमन की तैयारी है और उसके बाद होता है प्रकट। आप जब तैयार कर लिया अपने आप को फिर गोविंद प्रकट होते हैं। तैयार कैसे होता है व्यक्ति? जब गोविंद का नाम पुकारेगा। और ये चीज स्वयं भगवान ने अपने गुणों के माध्यम से प्रकाशित भी किया। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग कहते हैं, स्वयं भगवान ने इस बात को प्रकाशित किया कि तुम अगर नाम का आश्रय लोगे तो क्या होगा। जिसका नाम है मतलब मैं स्वयं नामी आकर्षित होकर के आ जाता हूं। आप देखोगे श्रीमद् भागवत के अंतिम शिक्षा व्यास जी महाराज के जो रचना है जिसका अंतिम रचना अंतिम श्लोक यही है जहां पर वो क्या कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य यस्य मतलब तस्य, जिनका उनका जिनका नाम संकीर्तन मतलब उनका नाम संकीर्तन वो उनका कौन है, हरि परम भगवान श्री हरि। तस्य नामानुकीर्तनम वो जो तस्य मतलब भगवान श्री हरि उनका नाम कीर्तन करता क्या है जी, कलौ सर्व पाप प्रणाशनम। इस कलयुग के अंदर जितने भी कलमश हैं, जितने भी अमंगल हैं, जितने भी अशुभ हैं, उन सबको ध्वंस कर देता है। बस इतना ही तो करता है, वो तो कुछ और भी करता होगा। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि, वो जो नाम किसका है नमामि, उनको मैं नमन करता हूं जिनका वो नाम वो हरि। दुख शमनम दुखों को शमन करते हैं। दुख क्या है, पड़ोसी तंग करता ये दुख है, या टाइम पे खाना नहीं मिलता ये दुख है, या कोई हमारा बात नहीं सुनता ये दुख है, ये सब दुख है नहीं। दुख क्या है, जीवन रसहीन है यही दुख है। जो जिस जगह पर आनंद का अभाव हो वही दुख है। अगर आप देखते हो कई बार जीवन के अंदर किसी चीज का अभाव होता ही, सब कुछ होता है, घर है, मकान है, दुकान है, बहुत सारा पैसा है, बच्चे भी अच्छे हैं, सब है, फिर भी व्यक्ति के मन में एक अजीब सी बेचैनी वो सब समय रहता है। क्यों भैया? उसका कारण यही है क्योंकि वो अंतरात्मा से दुखी है। स्थूल रूप से जगत का वैभव भले ही उसके सामने अनेकों हो सकते हैं लेकिन अंतरात्मा की दृष्टि से देखते हैं बेचारा बिल्कुल भूखा रहता है, उसके पास कुछ है ही नहीं। क्या है उसका, वो बोलते दुख, वही दुख।
वही दुख छोटा मोटा दुख है। इस दुख को शमन कोई भी नहीं कर सकता है सिवाय भगवान श्री कृष्ण। अभी इतना समय नहीं तो विभिन्न शास्त्रों के अंदर या इतिहास इस बात का गवाह शास्त्र प्रमाण तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्रों के अंदर इस चीज का प्रमाण है कि कृष्ण नाम के अतिरिक्त व्यास जी महाराज 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण, 6 तामसिक पुराणों की रचना की, 18 पुराण वेदांत सूत्रों की रचना की है, इतिहास की रचना की है, कई चीजों की रचना की है, लेकिन आनंद मिलता नहीं, शांति मिलता नहीं तो दुखी है। जब उनके गुरुदेव नारद जी महाराज की कृपा से जब उनको चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवत जी को उन्होंने क्या किया, भक्ति योग के द्वारा उसको अपने हृदयंगम करने का कोशिश किया, मतलब भक्ति के साधना के द्वारा। वो भक्ति साधना क्या है, भगवान का नाम। इसीलिए उनको जब उपलब्धि हुआ, इस बात का अनुभूति हुआ, समझ आया, तो उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षा के अंदर इतना कुछ रचना करने के बावजूद भी सार रूप में उन्होंने एक ही शब्द कहा, नाम संकीर्तनम, गोविंद का नाम का संकीर्तन करो। उससे क्या होगा, ये सब होगा, कली के कलमश अपने आप धुल जाएंगे। एक होता है बीमारी, एक होता है रोग मुक्त अवस्था, बीमारी से छुटकारा हो गया, बीमार से छुट्टी है, मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है ना, बीमारी से ठीक हो गया लेकिन शरीर कमजोर अभी भी है ना, वो कहीं चल नहीं सकता, ज्यादा बात नहीं कर सकता, कमजोर है। एक होता है स्वस्थ अवस्था, बाकी जितने भी जागतिक साधन है वो सब व्यक्ति को रोग मुक्त कर सकता है। रोग मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं होता है, रोग से मुक्त होने के बावजूद भी कमजोरी रहने के कारण दोबारा वो रोग के द्वारा वो ग्रसित अवश्य हो सकता है, लेकिन अगर वो स्वस्थ है तो फिर काफी कम संभावना है कि वो रोगी हो। ये विशेषता है और ये भगवान का नाम उसको रोग मुक्त अवस्था पर लेकर के आता है। और शास्त्र इस बात को कहते हैं, कोई और साधन को अगर हम लोग अपनाते हैं उसके परिणाम स्वरूप में व्यक्ति रोग मुक्त तो हो सकता है लेकिन रोग से बच नहीं सकता। वो रोग क्या है, भव रोग, ये संसार के कलमश, अपने मन के कारण परेशान, अपने शरीर के कारण परेशान, अपने विचारों के कारण परेशान, अपने संतान के कारण परेशान, अपने मित्रों के कारण परेशान, समाज के कारण परेशान। कोई ये नहीं कि हर कोई परेशान है, परेशान तो सारी स्तर अलग अलग है, कोई कम परेशान है, कोई ज्यादा परेशान है, कोई बहुत ज्यादा ही परेशान है। लेकिन समझने वाली बात यह है, ये जो भवरोग है उससे पूरी तरह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर नाम का आश्रय लेता है। और साथ में होता क्या है, दुख शमनम, दुखों का शमन होता है। सबसे बड़ा दुख क्या है, स्वरूप संबंधी अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख है। मैं हूं कुछ, खुद को समझता कुछ, तो इसीलिए दुखी। सांप में पड़ा रस्सी, हल्की हल्की लाइट के अंदर वो दिखाई दे रहा है और मैं यहां से ये सोच के भयभीत हो रहा हूं कि वो सांप है। वस्तु संबंधी अज्ञानता ही दुख का हेतु है। हम अपना स्वरूप संबंधी अज्ञान, स्वरूप से हम कौन है, भगवान के दास हैं। इस दासत्व का अभिमान को त्याग करने के कारण अपने स्वभाव